हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ट्रेड थ्योरी फिटर सेकेंड ईयर से संबंधित है। तो ट्रेड थ्योरी फिटर में सेकेंड ईयर का जो CBT की एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करवा रहा हूँ गेन नॉलेज टेक्निकल के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, आते अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोग ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, आप इसका मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। सब्सक्राइब करते समय आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट जो है अपने क्वेश्चन 0 NCVT द्वारा जारी किए गए हैं उस क्वेश्चन का हम स्कैनिंग कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही है, और साथ ही साथ मैं इसमें समझाता भी जाऊंगा और आपको आंसर भी बताता जाऊंगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है कि विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क, अर्थात कह रहा है कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। आपके जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ए पिलर फाइल, बी है स्क्वायर फाइल, सी है आपका ड्रेड नॉट फाइल, और डी है आपका स्विस पैटर्न फाइल। तो देखिए, यहाँ जो आपका आंसर लिया गया है आंसर ए, वो करेक्ट और सही आंसर है। चलिए, हम यहाँ पे टिक मार दिया ऑप्शन ए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैस्टल नट्स। एक नट आता है जिसके ऊपर देखिएगा कि आपका वो स्लॉट कटा होता है, तो कह रहा है कि कैस्टल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, उसका क्या कारण है। आपके जो ऑप्शन है वो है कि स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, अच्छी दिखावट के लिए, नट का वजन कम करने के लिए, आसान से हटाने और फिट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ जो स्लॉटेड कैसल नट में जो स्लॉट दिए जाते हैं वो सिर्फ स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि हम कैस्टल नट का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन होने की संभावना अधिक होती है, और आपका जो नट है वो ढीला हो सकता है, खुल सकता है, तो उसी को जो है आपको कसने के लिए हम वहाँ पे आपका स्प्लिट पिन का उपयोग करते हैं। तो टू फिक्स स्प्लिट पिन्स, मतलब स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए ही कैसल नट में स्लॉट दिए होते हैं। तो यह जो आपका ऑप्शन ए लिया गया है वो करेक्ट और सही है, इसलिए आप लोग भी ये सही का टिक लगा लें। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज, इस लिमिट गेज का क्या नाम है। पिक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखने के बाद जो आपके ऑप्शन है वो है, ए है प्लेन रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, उसके बाद प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डबल इंडेड प्लग गेज। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि दोनों, ये हमारा डबल इंडेड प्लग गेज है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट और सही है। जो ऑप्शन लिया गया वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का क्या नाम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके ऑप्शन है रिंग गेज, प्लग गेज, टेपर रिंग गेज, टेपर प्लग गेज। तो ये इसकी जो बनावट आप देख रहे हैं वो रिंग टाइप है ये, तो इसलिए हमारा ये इसका ऑप्शन जो है ए, ये हमारा रिंग गेज है। चलिए, इसको हम ऑप्शन नंबर ए टिक मार लेते हैं, ऑप्शन ए। ठीक से नहीं लगा, फिर से लगा लिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स, मतलब कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है स्लिप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज और रेडियस गेज। तो देखिए, हमेशा जो है दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में गैप को चेक करने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी जो यहाँ लिया गया है वो करेक्ट और सही है। चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट और सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच मटेरियल यूज टू क्लीन द स्लिप गेज, मतलब स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन आपके मोम, मिट्टी तेल, घुलनशील तेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो
तो देखिए स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट और सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच मटेरियल यूज टू वॉश द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, मतलब किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। आपका दिया है तेल से, मिट्टी तेल से, कूलेंट तेल से, पेट्रोलियम जेली से। तो यहाँ पे जो आपका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी तेल। तो किरोसिन से हम उसको साफ करते हैं। तो यहाँ पे लिया गया ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच मटेरियल यू यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट, मतलब स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए ऑयल तेल, बी है मोम, सी है मिट्टी तेल और डी है पेट्रोलियम जेली। तो रस्ट से बचाने के लिए हम लोग पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट और सही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। यहाँ पे एक गेज का चित्र दिया गया है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए है प्लेन स्नैप गेज, बी है आपका थ्रेड स्नैप गेज और सी है थ्रेड पिच गेज और डी है हमारा जो है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में हमारा सही और करेक्ट आंसर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्क्रू से जो है टाइट किया गया है, तो इसको हम एडजस्ट करके इस गेज का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पे एडजस्टेबल स्नैप गेज है। चलिए ये करेक्ट और सही है, ऑप्शन डी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। प्रश्न आपका कह रहा है कि वो कौन सा फिनिशिंग का प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए में फाइलिंग है, बी में टर्निंग है, सी में ग्राइंडिंग है और डी में लैपिंग है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाईली एक्यूरेसी की आवश्यकता लैपिंग में होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी लिया गया है वो आपका सही और करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। यहाँ पे सरफेस हार्डनिंग का एक मेथड, एक चित्र दिया गया है जो किस हार्डनिंग को आपको इंडिकेट कर रहा है। आपके ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो हमारा फ्लेम हार्डनिंग है। चलिए हम इसको टिक मार देते हैं। ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन सी जो लिया गया है वो सही और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस टू फ्लोट बाय कूलिंग, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो देखिए हम जैसे ही कोई मेटल को आपको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जैसे ही तेज़ी से ठंडा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हार्डनेस का गुण आता है और हार्डनेस के साथ साथ ब्रिटेलनेस का गुण आता है। ब्रिटेलनेस से क्या होता है कि जैसे ही आपका टूल्स नीचे गिरेगा तो वो तुरंत ही ब्रोकन हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए जो हम यहाँ पुनः फिर से उसको हम रीहीट करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, तो इस प्रोसेस का जो नाम है इसको हम टेम्परिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो लिया गया है वो करेक्ट और सही है। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट और सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। आपके ऑप्शन है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, ग्रेन संरचना को पुरस्कृत करने के लिए, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम टेम्परिंग का जो मुख्य काम होता है वो होता है कि टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, मतलब कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। जब हम उससे ब्रिटेलनेस भंगुरता निकाल देते हैं तो कठोरता और टफनेस बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन डी जो लिया गया है वो आपका करेक्ट और सही है। चलिए ऑप्शन डी को टिक लगा लिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि इस की का क्या नाम है। यहाँ पे एक चाबी दिया गया है, तो ये की का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है संग की, फीडर की, फ्लैट सेडल की, होलो सेडल की।
तो देखिए यहाँ पे जो ये चित्र है ये है फीडर की का, इसलिए इसको हम ऑप्शन बी जो लिया गया है वो करेक्ट और सही है। चलिए ऑप्शन बी फीडर की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी है, इस की का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ की, इस की का नाम क्या है। ये भी चाबी है, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो चाबी है वो यहाँ पे यूज है, आप इसको देख लीजिए। देखिए ये एक शाफ्ट है और शाफ्ट और पुली बीच में ये देख रहे हैं जिसको हम हब और शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट में यहाँ पे ये जो दिखाया गया है यही हमारा की है, आप ये जो देख रहे हैं ये हमारा की है। तो की का बनावट आप देख रहे हैं कि टेपर के रूप में है, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है टेपर संघ की, फ्लैट सैडल की, पैरेलल संघ की, हॉलो सैडल की, तो ऑप्शन ए जो लिया गया है वो करेक्ट और सही है, यह हमारा टेपर संघ की है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रूज यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स, मतलब कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज उपयोगी हैं। आपका ऑप्शन है ए सेल्फ जो है पिकरिंग, बी है हमारा थ्रेड कटिंग और सी है थ्रेड फॉर्मिंग, डी है हमारा हैमर ड्रिवन स्क्रू। चार ऑप्शन में आपका जो करेक्ट और सही ऑप्शन लिया गया ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट और सही है, यहाँ पे हम थ्रेड कटिंग का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट और सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट, मतलब विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। फिटर ट्रेड में जैसे ही आपने एडमिशन लिया होगा तो जब और वर्कशॉप में गए होंगे कोई मेटल को काटने के लिए याद किया कीजिए कि कौन सा वो टूल्स है जिसमें विंग नट का उपयोग किया जाता है, उसको हम दूसरे नाम फ्लाई नट के भी नाम से जानते हैं। चलिए तब तक आप सोचिए, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ यहाँ पे क्या उसका लाभ है। पहला है कि कोच निर्माण कार्य में, दूसरा है भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में, और तीसरा है ढीला और कस को रिंच के बिना, और चौथा सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। तो यहाँ जो ऑप्शन लिया गया ऑप्शन सी आपका करेक्ट और सही है। हम आपका विंग नट या फिर उसको फ्लाई नट कहिए, उसका उपयोग सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम उसको आसानी से बिना रिंच के माध्यम से, बिना रिंच की सहायता से ही आपको कस और खोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर जो सी लिया गया है वो करेक्ट और सही लिया गया है। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट और सही है, लगा लेते हैं टिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि इस गेज का क्या नाम है। यहाँ पे देखिए गेज दिया गया है, तो इसको देख लीजिए। अगर ये गेज चैप्टर से है, ए है पिच गेज, बी है एंगल गेज, सी है फिलर गेज, डी है रेडियस गेज। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फिलर गेज नहीं है, ये हमारा रेडियस गेज है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे लिया गया वो करेक्ट और सही है। चलिए ऑप्शन डी को हमने टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब बारी चूरी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ए है आपका स्नैप गेज, बी है थ्रेड रिंग गेज, और सी है थ्रेड प्लग गेज, डी है सेंटर गेज। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बाहरी चूड़ी की जो सटीकता होती है, एक्यूरेसी है, उसको जांच करने के लिए हम जिस गेज का उपयोग करते हैं वो हमारा सेंटर गेज होता है, ऑप्शन डी करेक्ट और सही है। चलिए ऑप्शन डी को यहाँ जो लिया गया वो सही है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स, पैरेलल लैग कैलिपर, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी में। तो देखिए यहाँ पर हम बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए बोल रहा है कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब बाहरी व्यास को मापने के लिए। तो वर्नियर कैलिपर्स है, आउटसाइड कैलिपर्स है, उसके बाद आपका पैरेलल लैग कैलिपर है, और स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो लिया गया है इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है। चलिए ऑप्शन डी को फिर से चेक करते हैं, और अगर क्या है आप लोग भी जो है इस क्वेश्चन को चेक करके इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हैं। तो यहाँ जो डी लिया गया है अभी ये कन्फ्यूजन में है, इसको मैं आप लोग भी थोड़ा देखिए और मैं भी इसको चेक करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें एलो हम टिक लगाते हैं, क्योंकि इससे यह है कि हम धीरे धीरे प्रोसीड की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।